हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल SM टेक्नो गुरु में। मैं हूं सुनील मौर्य। आज मैं आपको बताऊंगा कैनन जी 2010 का अनबॉक्सिंग और फुल इंस्टॉलेशन। पहले ये समझ लेते हैं कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं। कैनन में एक टैंक प्रिंटर है जिसमें कार्टेज लगाने की कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें स्क्रीन भी दिया हुआ है जिससे हम 1 से लेकर 19 पेज तक हम प्रिंट कर सकते हैं। और इसकी अन्य प्रिंटरों के मामले में ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी भी बहुत अच्छी आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैनन जी 2010 प्रिंटर का अनबॉक्सिंग। ये हमारा प्रिंटर है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसमें केबल, ये हमारी पावर केबल है, और ये कंप्यूटर से अटैच करने वाली केबल है, और ये इंक निकाल लेते हैं। इसमें ये जो कलर, तीन कलर्स हैं, ये 70-70 ml की हैं, और ये जो ब्लैक कलर है ये 135 ml का आता है। ये थोड़ा सा बड़ा है अन्य कलरों के अपेक्षा। इस बोतल की कैपेसिटी होती है 135 ml। ये हमारा कार्टेज है जिसे हेड बोलते हैं। हमारे इस प्रिंटर में हेड लगाया जाता है। ये अलग अलग दिया हुआ है, ब्लैक अलग दिया हुआ है और कलर अलग दिया हुआ है। इसका मैनुअल है, सॉफ्टवेयर की सीडी है, और ये जो रेड कलर का पट्टी लगा हुआ है, टेप लगा हुआ है, इसे भी हटा लेते हैं। जहाँ जहाँ लगा रहेगा वो हर जगह से हटाएंगे। यहाँ से उठा लेते हैं, और यहाँ पे कार्टेज लगाने के ऊपर ये जो रेड पट्टी और प्लास्टिक लगा हुआ है इसे भी हटा लेते हैं। ये हटाएंगे तभी हमारा हेड या कार्टेज लगेगा। और यहाँ से हल्का सा ऊपर की तरफ दबा कर उठा देंगे तो ये पूरा कार्टेज लगाने के लिए उठ जाएगा। देखिए एक बार फिर बताते हैं। हाँ, उसके बाद यहाँ पे आप कार्टेज लगा देंगे। यह हमारा कलर कार्टेज है। यहाँ पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कार्टेज के ऊपर और पीछे। ये जो रेड कलर का टेप लगा हुआ है यहाँ से भी हटाएंगे, और ये आगे से भी हटा लेंगे। और जिस सेक्शन में सी लिखा हुआ है वहीं पे ये कलर कार्टेज यानी कि सी वाला कार्टेज वहाँ पे रखेंगे। ये आराम से, इसमें कुछ करना नहीं है, बस आराम से रख देंगे सी वाले सेक्शन में। और ये ब्लैक कार्टेज है, इसको भी बॉक्स से निकाल लेते हैं। इस पे से भी रेड, और रेड ये जो टेप लगा हुआ है इसको भी हटा लेते हैं, स्टिकर को हटा लेते हैं, पीछे से टेप हटा लेते हैं, इसको भी बी सेक्शन में रख देते हैं। और ऊपर से दबा देते हैं। दबाने के बाद ये ऊपर की दो बटन दिख रही है, या दो इस तरह से दबाने के लिए दिया हुआ है, इसको भी हम दबा देंगे जिससे कार्टेज में कलर या कार्टेज पूरा फिट हो जाए। दोनों को दबा देंगे। ये हमारा कार्टेज फिल लग गया। अब हम इस चलिए हम इसको अभी इसमें इंक भरते हैं। यहाँ पे सी यानी सियान, मजेंटा और येलो, इन तीनों में जिस खाने में है उसी खाने में हम एक कलर्स बारी बारी करके डाल देते हैं। और ये ब्लैक है जो बाकी इंकों से थोड़ा बड़ा दिख रहा है इसका साइज। तो सभी कलर को हम बारी बारी से डाल लेते हैं। बोतल को हल्का हल्का प्रेस करना होता है।
इसे नीचे कर देते हैं। अब हम पावर केबल लगाकर इसे चालू करते हैं। पावर बटन को प्रेस करते हैं। पावर बटन प्रेस करेंगे तो इस तरह से कुछ प्रोसेस होगा, और जैसे ही जीरो और बूंद की लाइट जलने लगेगी, बूंद का सिग्नल देने लगेगा। अभी कुछ देर वेट कर लेते हैं। ये आ गया हमारा। अब इसको आप ये कर रहा है, अब हेड में यानी कार्टेज में अब इंक रिफिल करने के लिए ब्लैक वाली बटन को 3 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे। जैसे ही बटन को छोड़ेंगे तुरंत हो जाएगा। जैसे बटन को छोड़े, देखिए ये प्रोसेस होना स्टार्ट हो गया। ये प्रोसेस करीबन 5 से 10 मिनट लेगा होने में। उसके बाद यह ऑटोमेटिक यहाँ पे 1 लिखना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे देखिए ये हमारा इंक चार्ज हो गया कार्टेज में। देखिए 1 लिखने लगा। अब यहाँ से देखिए जितना प्रिंट करना होता है वहाँ से यहाँ प्लस करके, प्लस वाली बटन दबाकर ये 19 तक होगा। 19 के बाद फिर वापस चला आएगा। ये फॉल्स लिख दिया। अब फिर दबाएंगे तो 1 से स्टार्ट होगा। अब चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। ये स्टॉप बटन है यानी कैंसिल बटन है, कलर बटन है। अब यहाँ पे पेपर लगा के चेक कर लेते हैं। पहले हम एडजस्ट कर लेंगे पेपर के साइज़ से। यहाँ से ये वाइट वाला दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा हल्का सा खींच लेते हैं अपने पेपर के साइज़ के अनुसार। पेपर लगा लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। और स्कैनर में हम कुछ प्रिंट करने के लिए रख देते हैं। अपना विजिटिंग कार्ड रख देते हैं। यहाँ से ब्लैक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक और खूबी है, अन्य प्रिंटरों में पूरे पेज पे पूरा हमेशा हेड चलता रहता है, लेकिन इसमें एक खासियत है कि जितना दूर मैटर रहेगा उतना ही दूर हेड चलेगा, उसके बाद बाहर फेंक देगा। चलिए हम कलर को भी चेक कर लेते हैं। कलर वाली बटन को दबा देंगे। कलर वाले प्रिंट करने में थोड़ा सा टाइम लेता है ब्लैक की अपेक्षा, इसमें थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। धीरे धीरे प्रिंट करता है, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी आती है इसकी। ये हमारी क्वालिटी है, देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी इसमें आ रही है। हर एक तरह से इसमें अन्य प्रिंटरों की अपेक्षा बहुत अच्छा काम करता है। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर प्रेस करिए, ताकि हमारा अगला वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।